एक साधारण सा प्रश्न है जो हर भारतीयों के मन में आता है कि आखिर हमें मच्छर को काटने पर खुजली क्यों होती है, और यह प्रश्न जो है हर किसी को आना भी चाहिए क्योंकि भारत में जो है मच्छरों की संख्या बहुत अधिक है, और मच्छर की संख्या अधिक होने का कारण है कि भारत में अधिक संख्या में खुली नाले, गंदे पानी की नाले अधिक संख्या में है और इससे जो है मच्छर उत्पन्न होते हैं। यही है मच्छर की उत्पत्ति का मुख्य कारण। तो अब हम चलेंगे आखिर मच्छर जो है काटते हैं तो खुजली और सूजन क्यों होते हैं। जब कभी आप लोगों को मच्छर भी काटा होगा तो आप लोग जो है उस स्थान पर खुजियाते रहते हैं और यहाँ पर जो है लाल रंग के जो है फोरे निकल आते हैं, ये क्यों होते हैं। तो सिर्फ हमें जो है फीमेल मच्छर जो है काटते हैं, सिर्फ हमें फीमेल मच्छर काटते हैं। ऐसे तो जीवित रहने के लिए दोनों ही जो है मेल और फीमेल मच्छर जो है पौधे या फूलों से नेक्टर लेते हैं जीवित रहने के लिए, परंतु फीमेल मच्छर को जो है अंडे सेने के लिए उसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। फीमेल मच्छर को अंडे सेने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वह मनुष्य के शरीर पर जो है जाकर के फाइट करते हैं, यानी उसे काटते हैं। जब हमारे शरीर पर जो है मच्छर बैठती है, जब हमारे शरीर पर मच्छर बैठती है तो हमारे शरीर पर जो है मौजूद रहता है लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर पर लैक्टिक एसिड से जो है उस स्थान की जानकारी ले लेता है, यानी पता लगा लेती है कि उसे कहां से जो है खून पीना है। मच्छर को जो है जानकारी लेना पड़ता है कि शरीर को जो है कहां से हमें खून पीना है, उसलिए जो उसे लैक्टिक एसिड की आवश्यकता होती है। मच्छर हमारे शरीर पर एक बार उस स्थान को पता कर लेता है जहां उससे खून निकालना रहता है यानी चूसना रहता है, तो उस स्थान को जो है वह मच्छर थूक करके उस स्थान को यानी उस जगह को सन कर देती है। और मच्छर को जो है लोग इतना तागड़ा होते हैं इंजेक्शन की तरह, भगवान उसे कैसा बना दिया ये सुन, तो एक ही बार में जो है शरीर में उस जगह पर घोप देती है और उस जगह पर जो है ना शरीर में सुख दे करके घुमाते रहते हैं। जब तक उसको खून मिल नहीं जाते हैं तब तक वहां पर घुमाते रहते हैं। जब उसको खून मिल जाते हैं, जब उसे खून मिल जाते हैं तब वो खून में जो है अपना सलाबा छोड़ देती है। यानी मच्छर में जो है एक विशेष प्रकार का जो है सलाबा नामक जो है अम्ल पाए जाते हैं, उस सलाबा को जो है खून के अंदर जो है छोड़ देते हैं खून में ले जाकर के। और सलाबा काम ये करता है कि खून को जो है जमने नहीं देते हैं। जो मच्छर जो सलाबा को छोड़ा वो सलाबा करता क्या है तो खून को जमने नहीं देते आसपास में। और ये मच्छर जो है अपने सूंघ से यानी उसको जो इंजेक्शन जैसा जो ये सूंघ है इतना तागड़ा, उसको एक ही बात में जो शरीर में घोप देते हैं उससे जो है खून चूसते रहते हैं। और जब तक वो खून चूसते हैं तब तक उसका पेट भर नहीं जाता है, भर पेट ये खून चूसता है। और या जब तक हम उसे मार नहीं देते हैं, मच्छर से बचने का हमें एक ही उपाय है उसे मार दे, या नहीं तो ये चूसते रहेगा भर पेट खून लेगा। हम लोग इतना मेहनत करके इतना ये मतलब जो है खाना खा करके खून बनाते हैं शरीर में, इस खून को लेकर के जो है चले जाते हैं ससुरा मच्छर, ये बहुत जो है ना इंसाफ किया। तो ये पूरा खून चूस लेते हैं और इसी चूसे के स्थान पर जहां से वो खून चूसते हैं उसी स्थान पर जो है ये खुजली होने लगते हैं और यहां पर सूजन हो जाते हैं। उसी स्थान पर खुजली और सूजन हो जाते हैं। यहां पर खुजियाते रहो, खून लेके गया कोई और यहां पर हम खुजियाते रहेंगे, खुजली करते रहेंगे, ये होता है मच्छर को काटने से। तो ये जो है अब ये देखना है कि जहां पर मच्छर काटता है वहां पर ये लाल रंग का जो है परत बन जाता है यानी सूजन, ये क्यों होता है। तो खून में जो ये मच्छर जो है सलाबा छोड़ा, उस सलाबा का जो है नष्ट करने के लिए, उस सलाबा को नष्ट करने के लिए हमारा शरीर जो है
एक हिस्टामाइन नाम का जो है केमिकल छोड़ता है, हमारा शरीर उस सलावा को नष्ट करने के लिए हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है, जो वो हिस्टामाइन केमिकल जो है ना उसी स्थान पर जाकर के जमा हो जाता है जहां पर ये ससुरा मच्छर काटे रहते हैं। और यहां पर जो जाकर के जमा होता है हिस्टामाइन, तो इससे जो है लाल रंग का जो है वो बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और यहां पर जो है खुजली होने लगते हैं। खून लेके गया कोई आओ खुजलाते हैं हम, ऐसे हो जाते हैं मच्छर को काटने से। तो ये जो खुजली होता है ये जो है हिस्टामाइन के कारण और उसी सलावा के कारण, और उसी सलावा के कारण जो है हमारे शरीर में जो है बहुत तरह हर जगह जो है उभार उभार आ जाते हैं। यानी जब मच्छर हमारे शरीर पर बैठता है काटने के लिए, ये खून जो को खोजने के लिए जो है खून को जो खोजते हैं मच्छर, तो हर जगह जो है ये जो है बहुत तागड़ा से जो है निरीर घोपता है शरीर में, और उसे हर जगह मिलता नहीं है, तो उड़ के एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरे जगह जो है ये बहता रहता है मच्छर। जब उसे कहीं पर खून मिल जाता है तो वहां पर चूसना शुरू कर देते हैं, परंतु ये जो सलावा जो था वो हर जगह छोड़ देते हैं, उसी सलावा के कारण जो है हर जगह जो है ये फुंसी फुंसी दाने की तरह निकल आते हैं, जो बहुत ये खुज जाते हैं। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो आप लोगों को तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेकर के हर रोज आते रहते हैं।